नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक नई राजनीति पार्टी का हुआ गठन। बिहार विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। रालोसपा से नाता तोड़ने के बाद सत्यानंद प्रसाद का तल्ख हुआ तेवर। भारतीय लोक चेतना पार्टी का किया गठन। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी। आरजेडी कार्यालय पहुंचे रालोसपा के कई नेता। बंद कमरे में घंटों चली वार्ता। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आरजेडी पर बोला हमला। कहा विधानसभा चुनाव से पहले ही लालू ब्रांड हुआ शून्य। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी पर लगाया आरोप। कहा लालू परिवार में ऐसा कोई नहीं जो बिहार का हित सोचे। बुधवार को जेडीयू ने अपना आधिकारिक वेब पोर्टल किया लॉन्च। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चय संवाद से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। बिहार में रोजगार पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। पूछा बेरोजगारी पर बात करने से क्यों डरते हैं नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होने की आज कर सकते हैं आधिकारिक घोषणा। नौकरी छोड़ राजनीति में आने के बाद जीतन राम ने कई बार बदला है पाला। एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा मेरा बेटा 8वीं नहीं एमए पास है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड की मुक्ति मोर्चा पार्टी की तैयारी। 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव को शिक्षकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा महंगा। पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज। बिहार में लापरवाही पड़ रही है भारी। शहरी क्षेत्रों में अब बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। शहरी क्षेत्र में 20% लोग संक्रमित। बुधवार को बिहार में मिले कोरोना के 1,969 कोरोना मरीज। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 722। भागलपुर के बरेपुरा में रेड के दौरान हथियार और बम बरामद। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शाहनवाज उर्फ सन्नी मियां समेत 4 को मौके से दबोचा। 2 पिस्टल, जिंदा बम, भारी संख्या में गोली बरामद। मौके से 1 दर्जन लैपटॉप, विदेशी मुद्रा, मोबाइल फोन बरामद। छापेमारी के दौरान भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। गंगा के जलस्तर में एक बार फिर हो रही है बढ़ोतरी। कहलगांव में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। भागलपुर में भी 3 से 4 घंटे प्रति सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। बहरहाल खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर नीचे है गंगा का जलस्तर। भागलपुर तिलका मांझी हटिया रोड में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा। बुलडोजर से अतिक्रमित सरकारी जमीन को कराया गया खाली। मालदा डिवीजन के पीआरओ बने एसीएम डॉक्टर प्रदीप चिलुका। मालदा डीआरएम ने दी जानकारी। नवगछिया के भवनपुरा में कोसी का कटाव जारी। पुल के पहुंच पथ पर मंडराया खतरा। स्मार्ट सिटी के प्रवेश द्वार पर डंप किया जा रहा है कूड़ा। स्मार्ट सिटी में बाहर से आने वाले लोगों को मुंह चढ़ा रही है कूड़े का ढेर। नगर आयुक्त ने शहर में कूड़ा डंपिंग मामले को लेकर हुई सख्त। पुलिस की मदद से डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डंप करने का दिया आदेश। मायागंज अस्पताल में बीते 24 घंटे के भीतर 2 कोरोना मरीज की मौत। मायागंज अस्पताल में अब तक 13 जिलों के 73 लोगों ने कोरोना से गंवाई है जान। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। 1 माह के भीतर वसूला लाखों का जुर्माना। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।